What up everybody, it's the Danishubh and back at it again with a new video baby. Okay, so guys, बहुत time के बाद मैं ब्लॉग बनाया हूँ एंड ये ब्लॉग मेरा एक्सपीरियंस एकदम बिल्कुल नया है डूड. बट अभी हम कहाँ पे आए हैं, हम अपनी कटनी से मैं बहुत दूर आया हूँ, कम से कम 60 से 70 किलोमीटर दूर आया हूँ एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं. तो डूड हम लोग 5 बजे गए हैं एंड अभी 6 बज रहे हैं, तो एक घंटा हो गया है. तो अभी हम लोग जिस जगह पे आए डूड, हम लोग बहुत 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 अभी सो के उठा हूँ मैं, 2 बजे करीबन सोया था. एक्साइटमेंट इतनी थी डूड कि मैं सो ही नहीं पाया एंड 2 बजे सोया हूँ, उसके बाद मैं 5 बजे उठ गया डूड. बाकी का हम बातें बाद में करेंगे, हम लोग चलते हैं एंड वहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं क्या है कहानी है, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ करना है आज. सो वही से चल चलते हैं एंड देखते हैं. फाइनली बहुत मतलब बहुत टाइम के बाद हम लोग ट्रैवल करके हम लोग यहाँ पे आ गए, जो फाइनली हम लोग को यहाँ पे आना था हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं एंड देखते हैं कुछ नीचे उतरने का रास्ता होगा तो नीचे उतरेंगे. बट पहले हम लोग को जो करना था, मुझे जो करना था मैं करने आया हूँ एंड यहाँ पे हम लोग दरगाह आया हूँ. यहाँ से दरगाह देख सकते हो आप अभी भी होंगे. सो वही तो मैं यहाँ पे आया हूँ एंड दानिश के लिए मैं यहाँ पे प्रे करूँगा एंड उसके बाद मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा. सो वही तो हम लोग यहाँ पे इतना टफ हम लोग यहाँ पे नदी पार करके आए डूड. यहाँ पे पूरे में काई काई थी एंड हम लोगों ने कसम से बता रहा हूँ हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ पे पार करे. सो यहाँ का बहुत बहुत एक्सपीरियंस है, अगर हम लोग गिरते ना पूरा एक्सपीरियंस हम लोग के पिछवाड़े से निकल आता. बट डूड कोई दिक्कत नहीं है डूड, प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं एंड डूड बहुत इफर्ट लगता है. इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार डूड आप लोग प्लीज़. एंड ये मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे भाई लोग ने बहुत सारा दिया मेरा वहाँ से नदी पार कराने में. डूड यहाँ चीप है, चीप के ऊपर पानी बह रहा है, ऊपर से पूरी काई है, अगर यहाँ पे कोई फिसल गया ना तो डूड उसकी जान जा सकती है. एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरी बॉम फोटोज आती रहती है डूड, सीरियसली बता रहा हूँ. जाओ एंड जाके मुझे फॉलो करो. डूड सो वही सो चल चलते हैं देखते हैं. बिकॉज मैंने शर्ट इसलिए उतारी है क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी अभी एंड मेरी शर्ट वहाँ पे गीली हो गई थी. सो वही चलते हैं देखते हैं. मेरे पीछे देख सकते हो कितना तगड़ा है एंड मैं नीचे जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे जाऊँ एंड आप लोगों को दिखाऊँ. तो इसे चलते हैं एंड देखते हैं. तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा बॉम था एंड यहाँ का नेचर दूर देखो कितना. Oh baby, we keep prepping long से आ चुके हैं एंड हम लोग को डूड यहाँ पे जाना है, वो देखो वहां पे जाना है एंड हम लोग चलते हैं एंड देखते हैं कि हम लोग कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते हैं. बट वहां नीचे उतरने का खतरा है तो हम लोग वहां से जाते हैं. ओके हम लोग आए हैं और डूड हम लोग यहाँ आने वाले हैं, अभी इतना और जाना है. सुबह से चलते हैं देखते हैं. बहुत एफर्ट लग रहा है डूड
आई मीन फट के हाथ में आ रही है। डूड अगर किसी को ट्रैकिंग पे जाना है ना, उसके लिए स्टैमिना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत। एंड स्टैमिना के साथ साथ डूड कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है बॉडी में। अगर आप यहाँ से फिसल जाते हो ना डूड, तो पत्थर ही पत्थर हैं एंड यहाँ पे आप गिर जाओगे, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। बट मुझे आप लोगों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए डूड, मैं इतनी ऊपर से आया हूँ यार। एंड डूड मेरे को यहाँ पे देखो मच्छर ने काट लिया है, सीरियसली मुझे मच्छर ने काटा है, खून निकाल दिया है यार। सीरियसली गाइस बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को ट्रैकिंग पे जाना है ना, तो पहले तो आप अपना स्टेमिना स्ट्रॉन्ग कर लो एंड उसके बाद ये वेदर दिखाओ। तो वही तो, चल चलते हैं देखते हैं कितना तगड़ा है यार, कितना बॉम्ब है। डूड हम लोग इतनी ऊपर से आए हैं यार, देख सकते हो इतना ऊपर से आए हम लोग। ओके, अगर आप लोग जो भी यहाँ पे आना चाहते हो आ सकते हो। यहाँ का नेचर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत। मेरे फेस को, हेयर को इग्नोर करो। गिर गया। गिर गया था डूड, मेरी इतनी फट रही थी ना कि मैं डूड बता नहीं सकता आप लोगों को। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी हम लोग को ट्रैकिंग में डूड पानी की, पानी पीने के लिए हम लोग को बहुत मुश्किल पड़ रही थी। हम लोग का पानी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था और हम लोग को बहुत मुश्किल हो रहा था पानी पीने में। बट डूड पानी ही पानी है चारों ओर। सीरियसली मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस जगह पे आके ब्लॉक करूँगा। बहुत एफर्ट लगा, बहुत मेरा जान का खतरा भी हुआ है इस जगह पे, जान का खतरा भी हुआ है इस जगह पे, लेकिन मैंने ब्लॉक किया डूड। एंड मुझे मच्छर ने कभी काटा, ये देखो मुझे मच्छरों ने भी काटा, बट कोई दिक्कत नहीं डूड, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, सीरियसली बताऊँ तो। गाइस मैं अभी ये पानी क्रॉस करके वो पत्थरों के ऊपर से मैं वहां पे जाता हूँ। ओके, देखना आप लोग। गिरने का डर है डूड, बहुत फट रही है। सेल्फी लेने में बिजी मैन, क्या बताएं। एंड यहां से आराम से ना एक कांटे पड़े हुए हैं। बॉय कांटा गड़ गया। अब नहीं हो पाएगा डूड, सीरियसली बहुत थक गया हूँ डूड, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मुझे इस पार जाने दो। चार पांच, पांच पत्थर पार कर लिए, अब मुझे इतना और जाना है। ये गहरा है डूड, देखने बस का कम है, लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत लग सकती है आपको। देख लिया ना,
पास चलते हैं, देखते हैं, पास जाके देखते हैं। डूड अभी तो मैं आप लोगों को दूर से दिखा रहा था, नंगे पैर ब्लॉगिंग करना ऐसे कांटों में और पत्थरों में बहुत मुश्किल है। और तो और यहाँ तो पत्थरों में भी काई लगी है डूड, देख रहे हो पत्थर काले नहीं हरे हैं, हरे हैं यहाँ के पत्थर हरे। फक देख रहे हो इससे ज्यादा और पास नहीं आ सकता, आवाज बहुत आ रही होगी आई नो, इससे ज्यादा पास नहीं जा सकता। पास में बिल्कुल हरे हरे पत्थर काटे सब कुछ है, एंड मेरा कैमरा भी वाटर प्रूफ नहीं है डूड, यहाँ सांस मिल ही नहीं रही है, इतना ऑक्सीजन होने के बाद भी सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। टूट हम अच्छे तरीके से सांस भी नहीं ले सकते, यहाँ पे पानी पानी पड़ रहा है, पूरी बॉडी में पानी पानी पड़ रहा है यार। चलते हैं मैगी खाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। कर चुके हैं बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं डूड, यहाँ का झरना है, वाटरफॉल है, यहाँ का नेचर डूड, हम लोग सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब जिस ऊंचाई से हम लोग आ रहे हैं उसी ऊंचाई से हम लोग को वापस भी जाना पड़ेगा, तो इसे चल सकते हैं देखते हैं, बस मजा आने वाला है। अपने साथ ही हम लोग गिर जाएंगे, लग जाएगी, कुछ नहीं होगा, तो ये देख सकते हैं, तो देखते हैं कि जितना दूर आने था गैंग टूट हुआ। सब लगे हैं हाथ की क्या हालत हुई है, और हम लोग उतना नीचे थे डूड, आप लोग देख सकते हो यार कितना नीचे थे। hey,
10 तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए एंड मेरी वीडियो अब हम लोग का मिशन जो है सक्सेसफुल हो गया है. सो वही तो मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है. सो इफ यू गाइस एंजॉयड द वीडियो इफ यू गाइस डिड मेक टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड सी यू गाइस द नेक्स्ट.